Assalamu alaikum, dear student. Today I will tell you about the SLO based examination system regarding computer sciences for classes 9th, 10th, first year and second year. A federal board have decided to conduct the examination system that are purely based on conceptual reasoning and logical answering. So they have developed the new curriculum for all subjects. Now I will tell you about the computer sciences. In the first video, I will tell you about the course contents, all the topics of the course contents for second year, for first year, 9th and 10th classes of Federal Board that I have downloaded it from the Federal Board website. Now on the screen you are seeing that this topic is the student learning outcome SLO based examination for SSC and HSSC 2022. जो आपके examination those are 22 में conduct होंगे, वो SLO based conduct होंगे, जिनमें text books के rather course contents के ऊपर focus किया जाएगा कि course contents topics में से कहीं से भी question आ सकता है. ये compulsory नहीं कि वो book में से ही हो, वो question conceptual based होगा और topic में से कहीं से भी question दे सकते हैं. जो रेफरेंस बुक रिकमेंडेड है फेडरल बोर्ड की तरफ से स्पेशली कंप्यूटर साइंसेस के लिए, वो फर्स्ट नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद. ऑलरेडी वी आर स्टडीइंग द नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद फॉर 18 इयर्स कि हम अपने 9th, 10th और फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद को इस सिलेबस को फॉलो करें. उसके साथ उन्होंने दो बुक्स और रिकमेंड कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर और सेकंड जो है आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड कराची. अब उसमें जो फेडरल बोर्ड ने जो कोर्स कंटेंट्स की लिस्ट दी है, तो उस कोर्स कंटेंट्स को इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स कंटेंट्स कौन कौन से हैं और उनमें से जो क्वेश्चन अरेज हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, जो के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले देखें व्हाट इज एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन. Student learning outcome based examination based on the SLO given in the curricula of each subject instead of textbook. के कोर्स कंटेंट से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या टेक्स्ट बुक्स में से हो. बेसिकली जो टॉपिक से उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है. द स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव एसएलओ प्रोसेस इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 फेसेस, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड रिव्यूइंग. स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड अ वैलिड असेसमेंट ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस थ्रू स्टूडेंट परफॉर्मेंस आउटकम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड. Teachers should adopt innovative teaching and assessment methodologies to prepare the student for the revised pattern of examinations. के students को सिर्फ रट्टा या memorization नहीं, बल्कि student की जो conceptual learning है और जो उसकी जो understanding की जो skills है, उसको enhance करना होगा ताकि उस examinations को एक effective way में attempt कर सके. ठीक है, अब उसमें जो federal board ने जो reference जो course contents दिए हैं, ये आपको उस पर नजर आ रहे हैं या आप सामने देख सकते हैं. क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड एसएलओ बेस्ड करिकुलम. ये जो fbiese.edu.pk करिकुलम, अब इसमें तमाम करिकुलम की लिस्ट है जो कि कोर्स कंटेंट्स हैं. यानी अगर आपने टॉपिक्स तैयार करा दिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक अच्छे तरीके से, तो उसमें से वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब जो ये दीज आर दी थिंग्स, ये वो चीजें जो कि टीचर्स को और एजुकेटर्स को, लेक्चरर्स को, स्टूडेंट्स की तैयारी कराते हुए अपने जहन में रखनी चाहिए. फर्स्ट ये कि फर्स्ट थिंग इज द प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन रिलेटिंग टू नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिलेबस एंड कमांड वर्ड फॉर द क्वेश्चंस. कि स्टूडेंट्स की जस्ट मेमोराइजेशन या रटा नहीं हो, बल्कि उसका टॉपिक्स के ऊपर कॉम्प्रिहेंड हो और वो समझ सके कि यार ये जो हम साइंटिफिक और टॉपिक्स हैं या किसी भी चीज रिलेटेड है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर है, उसको एनालिसिस कैसे किया जा सकता है और उसकी सिंथेसिस. सेकंड है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पीरियडिक या मंथली टेस्ट इन एडिशन टू रूटीन क्लास टेस्ट एंड टीचर आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप एंड एम्प्लॉय असेसमेंट स्ट्रेटजी विच आर डायनेमिक इन अप्रोच एंड डाइवर्स इन डिजाइन. कि टीचर जो एक तो मंथ्स में वो 2 मंथली टेस्ट लें तो उस कोर्स से रिलेटेड जो उन्होंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं और उसमें इनोवेशन लेकर आए कि उसमें टॉपिक से, बुक से हट के क्वेश्चन दें और स्टूडेंट की असेसमेंट करें कि स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं. कि अगर आपने
टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर दी है या डाटा चेंज कर दिया, तो क्या स्टूडेंट्स उसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई कर पाएगा? क्या स्टूडेंट्स जो मैथमेटिकल्स फार्मूला पढ़े हैं या फिजिक्स के फार्मूला पढ़े हैं, क्या वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे? या इवन प्रोग्रामिंग पढ़िए, अगर प्रोग्रामिंग से मिलता जुलता एक और प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, क्या स्टूडेंट्स प्रोग्राम को अटेम्प्ट कर सकेंगे या नहीं? सिमिलरली, इन एडिशन टू द फाइनल पब्लिक एग्जामिनेशन, टू इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी अरेंज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर फॉर ईच क्लास. And fourth point, classroom examination offer the best and most reliable evaluation of how well students have mastered certain informations. Examination system से easily assessment हो सकती है कि students ने अपने उस topic के ऊपर कितनी उसकी grip पे और कितना उसकी preparation. अब मैं आ रहा हूँ curriculum के ऊपर जो computer sciences से related है. अब ये वो curriculum है जो कि computer sciences से related है. अब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो करिकुलम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं कि ये 9th क्लास के लिए करिकुलम कौन सा है, यूनिट 1. ये जो 9th क्लास के लिए ये बोर्ड का करिकुलम है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का, जो कि एग्जाम 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें अकॉर्डिंग टू जो करिकुलम जो मैंने आई हैव डाउनलोड फ्रॉम द फेडरल बोर्ड वेबसाइट, इसमें यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 3 ऑफिस ऑटोमेशन, यूनिट 4 डेटा कम्युनिकेशन, यूनिट 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स, यूनिट 6 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स. अब ये चैप्टर्स वो हैं जो कि हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन के भी हैं और ये उनकी चैप्टर की भी अरेंजमेंट इसी तरह. उसके बाद नेक्स्ट 10th क्लास के लिए फर्स्ट यूनिट 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, सेकेंड प्रोग्रामिंग इन सी, थर्ड इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग, फोर्थ कंट्रोल स्ट्रक्चर, यूनिट 5th लूप स्ट्रक्चर, यूनिट 6 कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स, यूनिट 7 वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML. नाउ कम टू द करिकुलम फॉर कंप्यूटर साइंस फॉर फर्स्ट ईयर ग्रेड 11, फर्स्ट ईयर FCS फर्स्ट ईयर क्लास. यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट 2 कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट, यूनिट 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यूनिट 6 वायरलेस कम्युनिकेशन, यूनिट 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, यूनिट 8 डेटाबेस डेवलपमेंट्स. ये नेशनल बुक फाउंडेशन अभी इसी कोर्स और पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसमें यही कंटेंट्स उसमें 100% कवर किए गए हैं. करिकुलम फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास सेकंड ईयर, यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यूनिट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, यूनिट 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर, यूनिट 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स, यूनिट 6 फंक्शंस, यूनिट 7 पॉइंटर्स, यूनिट 8 ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, यूनिट 9 फाइल हैंडलिंग्स. अब हम इन चैप्टर्स की डिटेल्स में जाएंगे कि इन चैप्टर की डिटेल में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि हमने अपने स्टूडेंट्स को कवर कराने, और उन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन, कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन या MCQs बेस्ड क्वेश्चन रेज हो सकते हैं. फर्स्ट लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्लास. 9th क्लास में यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है, उसमें जो टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने तैयार करने, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें फर्स्ट नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हुए, बैकस और उसकी जनरेशन, उसकी हिस्ट्री है. सेकंड, डिस्क्राइब ब्रीफ हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ये वो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जो कि इसमें से क्वेश्चन पेपर में इसमें से आ सकते हैं. ये टॉपिक्स हैं और उनके ये कंटेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये इसके बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. डिफाइन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. Understanding the conventional classification of digital computers, mainframe, mini, micro computers with cutting edge technology. Similarly, role of computers, impact of computer in education, business, defense, media, and manufacturing. Similarly, the students should know the scope of the following career in IT: software engineering, programmer, system analyst, hardware engineering, network administrator, database administrator, web designer, मल्टीमीडिया डिजाइनर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड टीचर. एंड कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो टॉपिक है, इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सिमिलर आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट्स, रोम, रैम एंड कैशे, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन कार्ड्स. सिमिलरली टॉपिक्स नेम, हाउ आर कंप्यूटर वर्क्स. Explain the following four basic operation: input operation, processing operation, storage operation, and output operation. Similarly, define the following basic component of system software: operating system,
डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड सिमिलरली आइडेंटिफाई द यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर. And also explain the following things: open source software, shareware, freeware. ये तमाम कोर्स कंटेंट्स बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन में भी, इस्लामाबाद की जो एडिशन उसमें भी कवर की गई, जो टेक्स्ट बुक है उसमें. चैप्टर सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूजर मैनेजमेंट. सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर कमांड लाइन इंटरफेस, definitions of application of DOS, Unix, menu-driven interface, graphical user interface, Macintosh, Linux and Windows operating system. Similarly, difference between single user operating system and multi-user operating system with example, and define the following operating system: batch processing operating system, time sharing operating system, real-time operating system. Similarly, what are the graphical user interface operating system? Difference between graphical user interface operating system and non-graphical GUI operating system. How to manage data files and folder. System installation, how we can install operating system, how we can install Office, MS Office, and how we can install antivirus. Chapter 3, word processing. First, recognize and define word processing. Second, manage our document, create, open, save, save as, print. Edit text or the document using following option: show or hide toolbar, insert symbol, use of equation editor, format text, insert page break and section break, insert header, footer and page number, insert and position pictures, insert word art, create a table with formatting, changing borderline and shading, change the margin of the document, use of hyperlink. Spreadsheet, MS Excel se related hai, जिसमें वी शुड स्टूडेंट शुड नो द बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, नेमिंग सेल एंड शीट्स, फिलिंग कॉलम एंड रोस, एड्रेसिंग सेल, पेस्ट स्पेशल, रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली, मैनिपुलेट एंड फॉर्मेट डाटा. नो कम टू द चैप्टर फोर्थ. अच्छा, चैप्टर थर्ड ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और उर्दू इन पेज की प्रैक्टिकल जो है वो स्टूडेंट शुड परफॉर्म प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब्स. नो कम टू द चैप्टर फोर्थ, basics of data communication, what data communication, data transmission, analog data, analog signal, digital signal, component of communication system, properties of a good communication system and data communication transmission mode, transmission mediums, cables, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cables, unguided media or unguided media, radio waves, microwave, infrared, satellites. And similarly, important topic, transmission impairment in transmission, attenuation, amplifications, distortion and crosstalk. Now, what is the communication devices? Communication devices, dial-up modem, network interface card, routers, switches and access point. And communication terminology such as data rate, baud rate, bandwidth, signal to noise ratio. And how to calculate signal to noise ratio. And chapter fifth, computer networking. Networking, first, what is definition of network, uses of network, type, different types, client server, peer to peer, point to point networks with example, difference between local area network and wide area network, metropolitan area network, network topologies, bus topologies, ring topology, star topology, mesh topology, and what are the different communication lines used for data communication: dial-up lines, digital subscriber line DSL, integrated service digital network ISDN lines. Explain types of modem: dial-up modem, DSL modems, ISDN modem. Data communication lines, transfer rates, cost per month, advantage, disadvantages. Similarly, unit 6, computer security. Explain the importance of computer security: cybercrime, hacker, cracker, virus, worm, adware, spyware, malware. Similarly, what are the infected flash drives, CDs, pirated software, network internet, email attachments? A student should know the common symptom of an attack by a virus, worm, adware, spyware and malware, antivirus, anti-spyware. Differentiate between authentication and authorization. Differentiate between authorized access and unauthorized access. Username, password, personal identification number, PIN, access card, biometrics.
Similarly, what are the computer ethics? Students should know the computer ethics that are the moral guidelines that govern the use of computers and information system. Students should know the information accuracy, information ownership, software piracy, and information piracy. तो ये तो 9th क्लास के कोर्स कंटेंट्स थे. Now come to the course contents of the grade 10, 10th class according to the Federal Board Examination System, Federal Board Examination SLO based system. Unit first, programming techniques, understanding the problem, defining the problem, analyze the problem, plan the solution, defining the candidate solution of problem, select the best solution of the second algorithm. Define an algorithm, explain the role of algorithm in problem solving, describe the criteria for measuring efficiency of an algorithm on the basis of inputs needed, process decisions, output, write algorithm for solving the problems, to a different algorithm to find the sum of the issue course content, to find the sum product average of 5 given numbers, to display the larger one out of 3 given numbers, to find a selection of a moving object with given mass, to find the volume of a cube, to find the area of a triangle, parallelogram, rhombus, etc. To find a sequence of odd number, to count multiples of a given number, to produce a multiplication table, to convert Celsius to Fahrenheit temperature, find even numbers in integer, add members of two lines, calculate GCD of two numbers, determine whether a given number is prime or not, determine prime number in integer, flowchart explanation and importance of flowchart, determining the following requirement for the problem solving, inputs, processing, decision, output, use of flowchart symbol, flowchart of algorithm. Jitne bhi algorithm padhe inke flowcharts. Now come to the chapter second, jo uske course contents hai. Define computer program, program syntax, semantic, low level languages, machine level languages, assembly level languages, high level languages, procedural language, structural language, object oriented languages, C++, Visual Basic, C, Java, IDE, and the component of IDE, modules of C++ programming, header files, reserved words, structure of C++ programming include define, main object, purpose of comments, their syntax, difference between constant variable, rule for specifying variable names, data types of C language and such as integer, floating point, double, character, use of typecasting, definition of constant qualifier, process of declaring and initializing variable and constant qualifier, output and input functions, printf, puts, count, scanf, getch, use statement terminator, semicolon, define format specifier, decimal, integer, float, double, character, escape sequence and different escape sequence, operators and different types of operator, addition, subtraction, multiplication, division, remainders, prefix, relational operators, less than, greater than, equal to, logical operators, and or not, difference between the assignment operator and equal to operator, difference between unary operator and binary operator, define an expression, ternary conditional, define and explain the order of precedence of operators. Unit 4, control structures, if statement, use of if else statement, switch case, default and break statement. In subs related programming jo ke according to the course content national book foundation mein bhi in sub ki bilkul isi tarah usi pattern ko follow kiya gaya aur 100% use cheez ko cover kar raha hai. Switch statement, case statement, default, break statement. Students should know the role of break statement, switch statement, nested selection structure, differentiate among all section structure, write code for flowchart. Now come to the loops, jisme basic loops hain, for loop, how to initialize for loop, test expression, body of the loop, while loop and body of the while loop, similarly do while loop and explain the use of break and continuous statement, differentiate among all loop structure, explain the concept of nested loop. लास्ट कंप्यूटर सिक्स, इसमें जो कंप्यूटर सिक्स जो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, व्हाट आर द लॉजिक गेट्स एंड आर नॉट गेट्स, द ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव आर एक्सक्लूसिव नॉट, नॉर नैंड नॉट, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सप्लेन द फर्दर लॉजिक गेट्स मे बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक गेट. सिमिलरली कर्नाक मैप, simplification of two variable Karnaugh map, simplification of three variable Karnaugh map. And the last chapter 7 of 10th class,
इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट, डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सर्च इंजन, होम पेज, वेब होस्टिंग, एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, पोर्टल, न्यूज, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, बिजनेस, एंटरटेनमेंट. इंट्रोडक्शन टू HTML, डिफाइन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टेप्स इन इन्वॉल्व टू क्रिएट एंड सेव एन HTML फाइल, display web page, identify the tag used to mark up HTML elements, identify the following elements: HTML head section, body section. Step involved to specify page title to create a paragraph, insert the line break, insert space, add heading, subheading. Text formatting tabs to define font size, color, face, text. Creating lists, different types: list, unordered list, order list, definition list, image and backgrounds. Add an image, border to the image, specify width of the image, height of the image, apply background to the web page, foreground color to the web page. Hyperlinks: what is hyperlink, how to create a hyperlink to a web page, define an anchor, create an anchor to hyperlink with a web page, create a graphical hyperlink. Creating tables: border, self spacing, self padding, align, row span. Create frames: different types of frames can be created, differentiate between a frame and a frame set, create a frame set with multiple frame. तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तमाम कोर्स कंटेंट्स जो कि 9-10 के अकॉर्डिंग मैंने बताए, और ये तमाम आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो इस्लामाबाद की, उसमें तमाम ये 100% इसको कोर्स कंटेंट्स को कवर कर रही है. उसमें स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो लैब एक्टिविटीज के जो क्वेश्चन है उन तमाम को सॉल्व करना चाहिए. एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है और जो लैब एक्टिविटीज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है उन सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए. और इस टॉपिक में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई सभी. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, उसकी जस्ट स्टेटमेंट चेंज की जा सकती है, उसका जो जस्ट डाटा चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें सेम फार्मूला, उसमें सेम लूप, फॉर लूप या वाइल लूप अप्लाई होगी जो कि आपने बुक में पढ़ी है. तो उसको स्टूडेंट्स को उसकी अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए. और अब हम सेकेंड वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स कंटेंट्स को डिटेल डिस्कस करूंगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.